जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। आज हम कॉर्न की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल नई है। इसके दाने दाने में मसाले का टेस्ट आएगा, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। और नए हैं अगर चैनल पर, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसलिए मैंने दो कॉर्न ले लिए हैं, स्वीट कॉर्न। इस तरह से हम उन्हें छील लेंगे। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये रेसिपी बिल्कुल ही नई है, आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। ये कॉर्न को हमने इस तरह से छील लिया था, इसे आप धोकर साफ कर दीजिएगा। और इस तरह से हमें इसको आधा तोड़ लेना है ताकि हम इसे कुकर में इजीली बॉयल कर सकें। इसे हम इस तरह से कुकर में डाल देंगे। और कुकर में अब हमें एक गिलास के करीब पानी डाल देना है पीने वाला। उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि कॉर्न में अच्छे से टेस्ट आ जाए इसका। अब हम इसमें दो सीटियां आने तक इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। देखिए कॉर्न हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे पानी से ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। बहुत ही अच्छे से बॉईल हुए ही हैं। अब हमें तेज़ धार वाला चाकू लेना है और उससे इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। देखिए इस तरह से हम इस सारे कॉर्न के टुकड़े कर लेंगे और कॉर्न का जो एंड वाला पार्ट होता है हम उसे फेंक देंगे। अब यहाँ पे 1/4 कप के करीब हमने सत्तू ले लिया है, भुने हुए चने का आटा, 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच के ही करीब हमने काली मिर्च को इस तरह से डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और यहाँ पे 1 चम्मच हमें तेल डालना है। 1/4 कप के करीब हम इसमें दही डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा ड्राई लग रहा है हमें, तो थोड़ा सा दही या फिर पानी डाल देंगे आपको, ताकि इसमें कॉर्न में अच्छे से कोटिंग लगनी चाहिए। तो हमें इसे थोड़ा सा, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। देखिए इस तरफ से थोड़ा सी कोटिंग लगनी चाहिए कॉर्न पे। अब हम सारे कॉर्न के जो टुकड़े किए थे हमने वो उसमें डाल देंगे। इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि इस पर अच्छे से कोटिंग लग जाए मसालों की। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लेंगे और इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लेना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, उसे भी हम इस तरह से काट के अलग अलग कर लेना है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन में 4 चम्मच के करीब तेल ले लेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने जो कॉर्न रखे थे मैरिनेट होने के लिए, देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गए। इसे हम एक एक करके तेल में इस तरह से रख देंगे। आप एक साथ मत डालिएगा, तेल छिटक सकता है, एक एक करके ही डालिएगा इन्हें। और इन्हें इस तरह से खड़ा रखना है, जिस तरफ इसके दाने हैं ना उस तरफ से, ताकि अच्छे से सिक जाए। अब सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे और जो हमारा पेस्ट बचेगा उसे इस तरह से कॉर्न के ऊपर डाल देना ताकि उससे अच्छे से कोटिंग हो जाए। इस तरह से आपको हिला लेना है इसे और चम्मच से इसे बड़े ही सावधानी से इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से ऑयल मिक्स हो जाए और अच्छे से गर्म भी हो जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए अच्छे से कलर आने लग गया है इसका। इस तरह से हमें एक एक कॉर्न को चम्मच से इस तरह से पलट लेना है ताकि ये सब तरफ से इक्वली सिक जाए। इस तरह से आपको सारे कॉर्न पलट लेने हैं। देखिए ये रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे स्टार्टर में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में कभी भी बना के खा सकते हैं। देखिए इसे हम फिर से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारे कॉर्न अच्छे से सिकने लग गए हैं, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। हमें फिर से ये चम्मच से इस तरह से पलट लेना है कि कॉर्न को अलग अलग ताकि अच्छे से सिक जाए। अगर आप यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो आप इन्हें ये बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, उन्हें बहुत ही पसंद आएंगे, ये आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे और बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे तो इसमें मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, फिर शौक से खाएंगे इसे। बस इस तरह से सारे कॉर्न पलट लेंगे। ये कितना अच्छा कलर आ गया है इनका, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बस इस 2 मिनट के लिए और कुक कर लेना हमें ताकि और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए कॉर्न हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे।
लीजिए। रेडी है हमारे मसाला कॉर्न टिक्का। मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी आपने इसकी रेसिपी भी देखी होगी। आप इसे जरूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम हरी चटनी रख लेंगे। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चेक कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा मायोनीज या फिर आप हंग कट ब्रेड डाल सकते हैं। इस तरह से कॉर्न को सर्व कर लेंगे। इसे आप इस चटनी के साथ खाइए या फिर मायोनीज के साथ खाइए, दोनों के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर आप इसे ऐसे ही खाएंगे तो भी ये बहुत यम्मी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बना के खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कितने यम्मी लगते हैं। बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत ही अच्छे हैं। तो है ना हमारा हेल्दी साइज स्नैक्स, बनाइए और इन्जॉय करिए। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। बाय।